प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वक्त के लिए, समय के लिए जो तू हमको हमारी ज़िंदगी में फिर समा दिया कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी जो भी करुणा से बड़ा हाथ हमारे ऊपर है, तू हमको संभाले रखता है। धन्यवाद देते हैं जो तूने भलाई हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवारों के और बच्चों के जीवन में की, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आज दुआ करते हैं कि जो भी तेरा वचन हम पढ़कर सुने समझे, उस पर गौर करें, अमल करें और बरकत को हासिल करें। सभी बच्चों के ऊपर और हर शहर के ऊपर, गांव के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आपका जो वचन पहुँचे, वहाँ वहाँ पर उन घरों, परिवारों, गांव, शहरों के ऊपर आपके दया हो। हर ज़िंदगी में तेरा वचन कार्य करे और हर ज़िंदगी के ऊपर तेरी रहमत से बड़ा हाथ हो और आपका जलाल हो और आपकी रहमत दिन प्रतिदिन हर वचन पर जो सुनकर तेरी बेटी और बेटा चलता है, तेरी रहमत से बड़ा हाथ और तेरा जलाल इनमें बढ़ता जाए और प्रभु ये तेरी बरकतों को और भी हासिल करें। आपके बेटे यीशु नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं, उसके धन्यवादी हैं आज के समय के लिए, प्रभु के बड़े कार्य के लिए, समय के लिए जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में किया, कि हम एक बार फिर प्रभु के वचन पर गौर करें। हमने कुछ वक्त पहले प्रभु के वचन में से एक वचन था जो जहां पर आपने सुना था कि प्रार्थना की ताकत, और एक वचन था जो हमने पढ़ा था, पहला थसलोनीकियों की पत्री उसका पांचवां सफ़ा यानी पांच अध्याय उसकी हमने 17वीं आयत को पढ़ा था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्यारे अजीजों, मैं आज फिर इस विषय में, इस वचन पे बात करना चाहता हूँ, गौर करना चाहता हूँ और हम सभी बहुत ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। जब हम प्रभु के पवित्र वचन से पूरे अच्छे तरीके से और भी हम जब गौर करते हैं, तो प्रभु के वचन में से लिखा है, प्रभु के वचन में लूका की अंजील उसका 30रा बाब और उसकी जब हम 22 आयत यानी 22 आयत जब हम पढ़ते हैं, और उसमें भी बहुत एक भेद की बात लिखी है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जब उतरा तो आवाज़ आई, उसके लिए आकाश खुला और उसके लिए आवाज़ भी आई, और वो क्या था कि कबूतर की नहीं, जब उस पर पवित्र आत्मा उतरा तो आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्यारा पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। गौर करना, यीशु भी प्रार्थना ले बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। सब लोग बपतिस्मा लेकर बहुत खुश होते हैं, अच्छी बात है, हमको खुश होना चाहिए। बहुत लोग मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परंतु प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया और लेने के बाद प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यीशु हमारा गुरु है, प्रभु यीशु हमारा गुरु है, वो हमारे गुरु हैं, हमको यीशु के जैसा बनना है। उसने अपना आत्मिक जीवन प्रार्थना से शुरू किया। गौर करें, उसने अपना जो आत्मिक जीवन था उसको प्रार्थना से शुरू किया और क्रूस पर प्रार्थना करते
करते ही वो मर गया। यानी आत्मिक जीवन भी प्रार्थना से शुरू किया, और जब उसको पिता के पास जाना था मरते मरते, जब क्रूस पर वो चढ़ाया गया वहाँ पर भी उसने दुआ की सभी के लिए, सताने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए। तवज्जो दीजिए, हमको भी निरंतर प्रार्थना का यही अर्थ है कि अपने जीवन में हमको बहुत ज़्यादा अपने समय को प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। हमको भी ज़्यादा समय प्रार्थना में देना चाहिए। जब यीशु ने प्रार्थना की तो आकाश खुल गया, बहुत लोग बपतिस्मा लेकर गए, लेने आ रहे हैं, लेकर गए हैं, लेकिन सबके लिए आकाश नहीं खुला, आकाश बंद है, परंतु यीशु के लिए आकाश खुला है, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा था, वह प्रार्थना कर रहा था, इसलिए उसके लिए आकाश था जो वो खुला था। प्रार्थना करने वालों के लिए आकाश खुलता है, सबके लिए नहीं खुलता। स्वर्ग में सब आशीषें हैं, लेकिन अगर वह बंद है, सब कुछ है स्वर्ग में, आपके लिए प्रभु के घर में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं है कि जो आपके घर में आपको जरूरत है, आपकी लाइफ में आपको जरूरत है, आपकी जिंदगी में आपको जरूरत है, कि वो प्रभु के पास नहीं है। सब कुछ है प्रभु के घर में, प्रभु के घर में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बिजनेस कारोबार के लिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में सब आशीषें हैं, लेकिन अगर वह बंद है तो कोई भी आशीष नहीं मिलेगी, कोई भी आशीष नहीं आपको मिलेगी। प्रार्थना आकाश खोलने की चाबी है। हालेलुया, हालेलुया, नमारी का नमा शिंदा नमा दनी मफ्ता जीसस। प्रार्थना आकाश खोलने की चाबी है। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन घर की जब चाबी खो जाए तो आप घर के बाहर ही खड़े रहेंगे। इसके बाद यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा। जो प्रार्थना करता है उस पर पवित्र आत्मा उतरता है। और भी जब हम बाइबल में रेफरेंस देखते हैं तो 120 लोगों ने भी 10 दिन तक प्रार्थना, पवित्र वचन में लिखा है कि 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की। प्रेरितों के काम दूसरा चैप्टर उसकी 7वीं आयत में से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि 120 लोगों ने 10 दिन तक प्रार्थना की, तब उन पर भी पवित्र आत्मा उतरा। इसके बाद स्वर्ग से यीशु के लिए जय आवाज आई कि जय मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से पवित्र आत्मा भी हमारे लिए उतरता है, खुलता है स्वर्ग हमारे लिए। प्रार्थना एक वो चाबी है जिससे हमारे लिए आशीषों का दरवाजा खुलता है, यानी स्वर्ग का दरवाजा खुलता है, और हमारी बरकतों की जे स्वर्ग खुलने की जे चाबी है, प्रभु का द्वार खुलने की चाबी है हमारी प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना, 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 प्रार्थना ही अपनी हमने बढ़ानी है। जब जैसे जैसे ये प्रार्थना बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए प्रभु का घर यानी स्वर्ग खुलता जाएगा। यदि आपने ये चाबी खो दी है तो आपके लिए तो प्रभु के घर में सब कुछ है, पर आपको मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने ये चाबी खो दी है। इसलिए आज इस चाबी को यूज करें, फिर से इस्तेमाल करें। ये चाबी आपके पास ही है। ये कहीं कहीं जे कोई वो चीज़ नहीं है, आपके घर के सामान जैसी चाबी नहीं, कहीं गिर गई या क्या हुआ या ऐसे जैसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं। पर आज एक बात याद रखो, जैसे ही आज से, आज की सुबह से जो वचन सुनकर, आज के वक्त, चाहे आप सुबह के वक्त सुन रहे हैं, दोपहर के वक्त सुन रहे हैं, इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम सुन रहे हैं, जैसे भी जब ये वचन सुनते हो आप, तो सुनकर प्रार्थना की चाबी जब आप लगाओगे तो आपके लिए प्रभु का घर खुलेगा, पवित्र आत्मा भी उतरेगा, आपको जो चाहिए वो भी प्रभु आपके लिए
मुहैया करेगा। और प्रभु जैसे यीशु के लिए बोला गया, जी मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, आपके लिए भी प्रभु बोलेगा जब आप प्रार्थना करोगे कि मैं तुझसे खुश हूँ। जो लोग अधिक अधिक समय प्रार्थना में देते हैं वह परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वह परमेश्वर के खराब बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं, और वह उनसे दुखी है, खुश नहीं है। बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करते हैं, और परमेश्वर उनसे परेशान है, और जय इसलिए है कि वह प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना करता है वह पाप, वह गुनाह, वह बदी नहीं करता। जो पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता। एक बात जानिए, जो प्रार्थना करता है वह पाप नहीं करता, और जो पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना का मतलब कि हम परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना का मतलब कि हमारी रोज प्रभु से बात हो। अगर हवा शैतान से यह कहती कि मैं आज नहीं कल फल खाऊंगी, क्योंकि रोज परमेश्वर हमसे मिलने आता है, और मैं उसे पूछ कर मालूम करूंगी उसने मना क्यों किया। गौर करें, उसने मना क्यों किया। हमको हर बात परमेश्वर से मालूम करनी चाहिए। हवा के पास हर रोज प्रभु आते हैं, अगर वो मना कर देती कि मैं अपने परमेश्वर को पूछ कर ये काम करूंगी, तो शायद प्रभु भी उसके पास रहता और अदन में भी वो रहते। हमको हर बात परमेश्वर से मालूम करके करनी चाहिए। हवा परमेश्वर से पूछती तो फल ना खाती, परंतु उसकी इच्छा थी और उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर खाने नहीं देगा। उसको ये मालूम था कि मेरे परमेश्वर ने ये काम तो करने के लिए मुझे मना किया, इसलिए उसने उस विषय पर उससे बात ही नहीं की, उस विषय पर शैतान से बात नहीं की। तो क्या हुआ, बात ही नहीं की। हर बात प्रार्थना में परमेश्वर को बताएं। यीशु को चेले चुनने थे, उसके लिए उसने रात भर प्रार्थना की। लूका की अंजील 6 बाब में इसका जिक्र है, उसकी 6 बाब की मेरा ख्याल 20वीं आयत से ये वचन जो है शुरू होता है। उसने उनके लिए सारी रात प्रार्थना की। चुनना आसान था, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती को चुनना कठिन था, क्योंकि वह चोर था और शैतान था, तथा परंतु परमेश्वर की यह इच्छा थी कि उसको चुना जाए, इसलिए कि यीशु ने उसको चुना। प्रार्थना करने का मतलब अपनी इच्छा पूरी करनी नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। यीशु आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, रोमियों उसका 7वां अध्याय, हमको भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हम उसके साथ काम करने वाले हैं। दूसरा करिन्थियों के खत में लिखा है उसका 6वां अध्याय, और हमको भी बहुत ज्यादा दुआ और प्रार्थना करनी चाहिए। हर काम जो हमारी जिंदगी का है प्रभु को पूछ के करना चाहिए। हमारे जो हर रोज की सुबह की जो शुरुआत है प्रभु के हाथों में देकर करनी चाहिए। प्रभु के हाथों में देने का मतलब कि अपने दिन की रोज की सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करें, दुआ से करें, तो आपके सारे दिन के कार्य है जो वो आपके सफल होंगे, आपके लिए आकाश खुलेगा, आपकी जो आपके विरोध में हैं वो आपकी भलाई में खड़े हो सकते हैं। प्रभु उनके बीच में से भी आपके लिए कार्य कर सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर, जैसे आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु दुआ कर रहा है, हम भी सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें।
हम भी सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से बरकत और आशीष को हासिल करें। दुआ करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वक्त के लिए, समय के लिए, इस जो तेरे बड़े फजल के लिए तेरा वचन, जो जो भी तेरे बच्चे तेरे लोग सुन, जिन्होंने प्रभु जी वचन को सुना है, इनके ऊपर तेरी दया हो और अपने जीवन को प्रभु प्रार्थना से शुरुआत करें और अपने दिन भर के कार्य को, हर कार्य को प्रार्थना में ही व्यतीत करते हुए जे करते जाएं, और इनके कामों में और इनके घरों में आपकी बड़ी आशीष हो, आपकी बड़ी रहमत हो और आपका बड़ा फजल हो और आपके बड़े बड़े काम हों। और प्रभु जैसे जैसे जे बच्चे जे लोग प्रार्थना में बढ़ते जाएं तेरे कामों में और तेरे और प्रभु पवित्र वचन को फैलाने में जे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और इनके परिवारों घरों के ऊपर त्वरी आपकी बड़ी रहमत हो और आपका बड़ा फजल हो, सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनको प्रभु और भी पवित्र आत्मा से भरकर, अपना पवित्र आत्मा देकर, पवित्र आत्मा में भरकर इस्तेमाल करना और अपने प्रभु बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना। आपके बेटे यीशु नाम का मैं वास्ता देकर मांगता हूँ, आमीन।